की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली की सरकार लेकर आ रही है मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट, और इसी मोहल्ला सभा के कॉन्सेप्ट पर बना है हमारा कार्यक्रम जनता का बजट। जनता का बजट लेकर मैं हूं आपका साथी ललित नारायण कांडपाल, और आज मैं आ गया हूं छतरपुर विधानसभा के सैदुजलाबाद इलाके में। यहाँ पर कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कई सारे लोग मौजूद हैं मेरे साथ इलाके के, जो महिलाएं भी उसमें प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, पर्यावरण से जुड़े लोग भी हैं और भूतपूर्व सैनिक भी हैं। यानी हर जो एक मोहल्ला सभा में, या कहिए मोहल्ला सभा में तो वैसे सभी लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में अपनी बात पहुँचाने के लिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पूछेंगे कि उनके इलाके की क्या समस्या है। अनुपम इनक्लेव से लोग हैं, नेपसराय से लोग हैं, कई अलग अलग इलाकों से, जो भी इस पूरे वार्ड में जो लोग आते हैं उनकी समस्याएं हैं। सबसे पहले महिलाओं के पास चलते हैं। मैडम आप बताइए क्या समस्या है आपके? हमारे इलाके में समस्या है स्कूल की। स्कूल होना चाहिए, हमारा ये पुराना गांव है, इसमें 5 तक का स्कूल है, 12 तक का होना चाहिए। 5 तक का है, 12 तक का होना, 12 तक का, क्यों बच्चे बाहर जाते हैं? एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, बाहर जाके मिलता भी नहीं। डिस्पेंसरी बहुत जरूरी है। अच्छा, डिस्पेंसरी के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? कभी साकेत जाना पड़ता है, कभी और कहीं जाना पड़ता है, ऐसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है डिस्पेंसरी के लिए। आप बताइए मैडम क्या कह रही हैं? हाँ, जैसे 12वीं तक का स्कूल है, फिर जो 5वीं तक बच्चे होते हैं उसके बाद जो बाहर एडमिशन लेने जाते हैं वो एडमिशन भी नहीं देते हैं फिर यहाँ के बच्चों को। अच्छा, और फिर जो गलियां हैं वहाँ अंदर का जो गांव है, बाहर तो फिर भी ठीक है, बट अंदर का जो गांव है उसमें जब बारिश आती है या सीवर पूरे भर जाते हैं, वहाँ के लोगों को आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि बाहर भी नहीं निकल पाते वो। अच्छा, तो वो सफाई के लिए बहुत जरूरी है वो करना। मैडम एक महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा इशू है, आप क्या कहेंगे? चलो भैया, सुरक्षा के विषय में एक तो पुलिस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि मतलब कोई भी स्त्री परेशानी में हो तो तुरंत कॉन्टेक्ट किया जा सके पुलिस के लिए, ये तो मेन है। बिल्कुल, तो ये देखिए महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा इशू है, सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल होने चाहिए। कमल जी, सीसीटीवी कैमरे कितने इंपॉर्टेंट है आपके इलाके के लिए? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से आप सरकार काम कर रही है मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से इसका क्रियान्वयन कर पाए। सवाल आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आपके इलाके में समस्याएं क्या क्या हैं, उन समस्याओं को कितनी? सबसे बड़ी समस्या ये है जी, एक तो जो हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, एक इग्नोर रोड जो बहुत ज्यादा छोटा है उस पर हमेशा जाम लगा रहता है, और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से उस पर हमेशा पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ के निवासी होने के बाद मुझे इच्छा नहीं होती कि मैं इग्नू रोड पर दिन में 3 चक्कर लगा पाऊँ। मुझे आधा घंटा सोच के चलना, अगर मुझे पर्यावरण फ्रीडम फाइटर जाना है मुझे आधा घंटा स्पेयर रख के जाना पड़ता है ताकि वहाँ पहुँच सकूँ मैं। अच्छा, इसकी वजह से पूरे जितनी कॉलोनियां हमारी, फ्रीडम फाइटर, इंदिरा एनक्लेव, अपना पर्यावरण, अनुपम गार्डन, अनुपम एनक्लेव, आगे हरगोविंद एनक्लेव, उन सबको इग्नो तक इतनी प्रॉब्लम है, लोग इतने ज्यादा परेशान है, इवन क्षेत्रीय लोग तंग आकर एमपी को अप्रोच कर चुके हैं, हर जगह अप्रोच हो चुकी है, लेकिन उसमें मैं चाहता हूं इस पे कोई भी गवर्नमेंट करे, चाहे मोहल्ला सभा करे, इस काम को बड़े गौर से देखा जाए। और कुछ क्षेत्र में पानी की समस्या, सोनिया व्यार के हमारे भूतपूर्व विधायक थे वो, अपने बलराम जी, उन्होंने पानी की लाइनें लेकर छोड़ दी थी और उनका कनेक्शन जोड़ने वाला अब तक कोई नहीं है। अब जल बोर्ड को अप्रोच करते हैं, जल बोर्ड ये बोलती है उनके लिए कि आप इन पाइपलाइन के लिए कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन नहीं जोड़ी जाएगी, ये एक नया रूल आ गया है। तो हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम एक पॉलिसी बदलकर उन कॉलोनियों के अंदर पानी दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को जो रह रहे हैं इतने लोग उनको पानी मिल सके। फ्रीडम फाइटर के अंदर सीवर की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां सीवर खुदवा के डाल दिया गया, मेन लाइन ही नहीं है सीवर की, इग्नोर रोड के अंदर सीवर के प्रोजेक्ट हो गया, उसको ट्रैफिक पुलिस ने रोक रखा है, कृपया उस कार्यवाही को करवा कर आगे बढ़ा जाए। आप बताइए सर क्या समस्या है, आप कहां से हैं? मैं तो मेहरौली से हूँ। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मेहरौली और सैलाजम में कोई खास फर्क नहीं है, जो फ्लैट्स के अंदर एक तो कनेक्शन पानी का मिलना चाहिए। अच्छा, जो फ्लैट्स में जल बोर्ड पानी कनेक्शन नहीं देता है, पानी मूलभूत सुविधा है, सबको पानी पीने के लिए चाहिए, लेकिन पानी वहाँ पर जब जाते हैं जल बोर्ड में तो पानी कनेक्शन नहीं देते हैं। दूसरा, जब कोई आदमी अपने गाँव में अपना मकान बनाता है तो MCDO और ये अपने सबके लोग इनको तोड़ने पहुँच जाते हैं, तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आदमी अपने घर के लिए मकान बनाए तो उसे कम डिस्टर्ब कोई ना करे। आप बताइए सर किस मोहल्ले से? मैं पर्यावरण कॉम्प्लेक्स से हूँ। पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है सीवर। सीवर हमेशा जाम रहता है,
और आने जाने में लोगों को बड़ी असुविधा होती है, गंदगी भरी रहती है, नरक जैसा जिंदगी हो गया है लोगों का। इसलिए सबसे पहले वहाँ पर सीवर ठीक करवाना चाहिए, हमारा सीवर वहाँ है ही नहीं, नया सीवर लाइन बिछना चाहिए। दूसरा है रोड, सीवर है नहीं या फिर सीवर है जो पहले लोग अपने प्राइवेटली बनाए हुए थे, वो बहुत छोटा सा था, वो सब बिल्कुल खराब हो चुका है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है सीवर वहाँ। दूसरा हमारा है रोड, रोड बिल्कुल अंदर की टूटी हुई है, चलना फिरना लोगों का दूभर है, गाड़ियां ऊपर नीचे होती हैं, जम करती हैं, तो रोड की समस्या है। तीसरा है बरसात में जो है पानी पूरा भरा रहता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए और ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए। सुरक्षा की समस्या, सीसीटीवी बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन जो है चोरियां होती रहती हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। सबसे एक और मेन समस्या है जो हाई टेंशन वायर है वहाँ, जो हाई टेंशन वायर को अंडरग्राउंड करना चाहिए, कई जाने चली जा चुकी हैं मेरे सामने, कई बार कई लोग मर चुके हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट हाई टेंशन। भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं इंदिरा इनक्लेव से हूँ और इंदिरा इनक्लेव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारे यहाँ सोनिया विहार के अंदर तो पाइप डाल दिए गए हैं, लेकिन अभी मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है। अंदर के पाइप भी जब सीवर का काम हुआ है तो अंदर के पाइप भी कट गए, लेकिन सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है उस पर। एक ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल से और कम से कम 5,000-6,000 की आबादी है, लेकिन काम नहीं चलता। समस्या जस की तस है। एक ट्यूबवेल कम से कम 10 दिन में एक घर को पानी मिलता है, त्राय त्राय मची हुई है पानी के मामले में। दूसरा इग्नू से लेके और इंदिरा इनक्लेव तक ये रोड बहुत डैमेज स्थिति में, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। मैं नेपसरा गांव से हूँ जी, हमारा एनबी रोड से और इग्नू तक बिल्कुल रोड जाम रहता है, अगर कैजुअल्टी या कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में दम तोड़ देगा। और सीवर तो अंदर बिल्कुल गांव में है ही नहीं, बिल्कुल ही नालियाँ सड़ी पड़ी एकदम। और हमारा स्कूल 10वीं तक है, वो 2 क्लास हमने 20 साल से कोशिश कर रही है, आज तक नहीं पढ़ पाई है। बच्चों का एडमिशन भी नहीं होता है, इतने के क्लास में बहुत बच्चे भरे हुए, आप चल के मौके में दिखा सकता हूँ। और मेन समस्या हमारी रोड की है, जाके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 2 बार यहाँ से वापस हो चुकी है उद्घाटन, और एक अस्पताल भी नहीं हमारे यहाँ, जो 100 बेड का 30 साल से कारोबार चल रहा है कि पत्थर उखाड़ा जाता है, लगाया जाता है, लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। अच्छा, हमारी वार्ड में जो है छतरपुर में पहाड़ी में। सर आप बताइए। हाँ, मैं भी नेपसराय से हूँ, स्वास्थ्य रेजिडेंसी का वाइस मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ नालियाँ सारी टूटी हुई हैं, बड़ी जर्जर स्थिति में है, रोड की हालत बहुत ही खराब स्थिति में है, और सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था 1 साल पहले, लेकिन जगह जगह खोद के वैसे का जैसी स्थिति में खोदा है उसी तरह से छोड़ दिया गया है, जिससे कि बुजुर्ग लोग, महिलाएं उसमें गिर जाती हैं, हाथ पैर टूट जा रहे हैं, तो उस काम को जल्द से जल्द जो है किया जाए। और इस इलाके में कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, रोडों के ऊपर जो है ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है, 15-15 दिन तक सड़ रहा है, उठाने वाला कोई नहीं है, इस तरह से तो बीमारियां फैल रही हैं। तो कम से कम एक कोई नज़दीक में डंपिंग स्टेशन बने जिससे कि कूड़ा फेंका जा सके, और पानी की भी समस्या है इस क्षेत्र में, उसको भी दूर किया जाए। हमारे यहाँ यही सर, सबसे पहले तो ये है कि कूड़ादान नहीं है, जिसकी वजह से हम जो आने जाने वाले जो हैं वो नाक बंद करके चलते हैं। दूसरा यह है कि नालियाँ बिल्कुल खराब हैं, नालियों की स्थिति बहुत खराब है। आते हैं स्वीपर, आते हैं तो ये हफ्ते में एक दिन आते हैं, ऊपर से झाड़ू लगा कर चले जाते हैं। तो ये हमारी समस्या, मेन समस्या ये, यही है हमारी मेन समस्या। बाकी सीवर इनके बोल तो दिया। मैं अनुपम इनक्लेव फेज 1 से आया हूँ भैया, वहाँ पानी और सीवर की बड़ी जबरदस्त समस्या है। सराउंडिंग की हर गली में पानी का कनेक्शन है, हमारे वहाँ पाइप डाल दिया पर पानी की कनेक्शन आज तक नहीं हुआ है। अच्छा। तो लोग पानी के लिए बड़े परेशान है, तरह तरह करते रहते हैं, हमेशा टैंकर मंगाते हैं, टैंकर से कब तक गुजारा करेगा आदमी, और कितने टैंकर मंगा लेगा, सब हैंड टू माउथ हैं, कमाने वाले हैं, सर्विस करते हैं, कहाँ से आए इतना पैसा आएगा। पानी की सबसे बड़ी पानी की जबरदस्त समस्या है और सीवर की समस्या। आप बताइए। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं फ्रीडम फाइटर एनक्लेव का निवासी हूँ। हमारे यहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है, और जैसा कि भाई साहब ने पहले बताया कि इग्नू रोड इतना कंजेस्टेड हो चुका है, इतनी दुकानें, इतनी वहाँ पर आबादी हो चुकी है, लेकिन इतना जाम रहता है। अगर भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई बीमार आदमी को अगर मेडिकल एड चाहिए तो बेचारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। और जल बोर्ड वालों ने जगह जगह खुदाई करके छोड़ रखा है, बहुत बुरा हाल है। आने जाने में बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, और बाकी
समस्याएं तो इतनी है, अगर अगर मैं बोलना भी चाहूँ तो उसका कोई अंत नहीं होगा। बिल्कुल, कई सारी समस्या आप बता दीजिए सर। आप हाँ जी, मैं फ्रीडम फाइटर से हूँ, जगदीश चंद जगदीश मेरा नाम है। वहाँ पे समस्या एक तो रोड की जैसे बताया है, नालियों की समस्या है, नाली भरी पड़ी है। पानी की जो है, आधी कॉलोनी को पानी मिलता है और आधी कॉलोनी को पानी मिलता नहीं है, क्योंकि काफी ऊंचा है तो उसको ठीक ठाक होना चाहिए। सीवर की समस्या है, ये सब समस्या है। और वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे है, यानी महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा का, वो सबसे पहला चोरी इशू है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा इशू है, ये एक वास्तव में बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं इस पूरे वार्ड की, कि जो ये छतरपुर का जो वार्ड है इसमें अलग अलग तरह की कई सारी समस्याएं निकलकर सामने आई हैं। भाई साहब आप रह गए थे, बताइए, आप बताइए। मैं नेबसराय गली नंबर 1 से हूँ। हमारे इधर सबसे भयंकर समस्या पानी की है, पीने के पानी की और सीवर की। और तीसरी समस्या है बिजली की, जो बिजली हमेशा आए दिन थोड़ी सी बारिश में या गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो चली जाती है। अब भी इस टाइम मैं वहाँ से आया हूँ, अभी ब्लास्ट हुआ है, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। एक ट्रांसफार्मर में 4 घर को बिजली दी जाती थी पहले, आज से 2-3 साल पहले, लेकिन आज के टाइम पे 22 घर बिजली ले रहे हैं एक ट्रांसफार्मर में। ब्लास्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इस चीज को समझ। बिजली की जो लाइनें हैं वो दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है, सारे कुछ भूखा पड़ा है। आए दिन समस्या होती है, रात में 2-2, 3-3 घंटे बाद लाइट नहीं आती है। कितनी तो कंप्लेंट करी आप लोगों ने, बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं, इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं कि 80 से ज्यादा। कई बार तो उनके जो लाइन मैन है वहीं बांधना पड़ा है मुझे, क्योंकि अच्छा। तो अभी ब्लास्ट हुआ और अभी वो ठीक करके निकले एकदम दूसरा ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है बिजली की और पानी की हमारे इधर, तो ये दूर होनी चाहिए समस्या बिजली और पानी की, क्योंकि सबसे बड़ी जो स्थिति है वो ये है लोगों के सामने कि आखिर उनकी समस्या कैसे दूर हो। समस्याएं एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि सैकड़ों समस्याएं हैं। और समस्याएं भी ऐसी हैं कि जिनके पीछे काफ़ी लंबा समय लग सकता है ठीक होने में, लेकिन एक नियत, एक अच्छी नियत और एक अच्छा प्रयास चाहिए जिससे वो कोशिश जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो। अब दिल्ली सरकार मोहल्ला सभा के जरिए काम करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कितनी कारगर होगी और कौन से ऐसे काम हैं जो जो इस वार्ड के लोग सबसे ज़्यादा कराना चाहते हैं, सबसे पहले कराना चाहते हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ, लौट रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।